हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो सुबह की जो पहली चाय है वो बन रही है, तो आप लोग भी आ जाओ, चाय पीते हैं, बैठ के बातें करेंगे, गप्पे मारेंगे। तो यहाँ पे जो है पानी पक गया था तो दूध डाल दिया है मैंने, थोड़ी थोड़ी सी चाय है, दोनों जने पियेंगे, बच्चे तो कहाँ चाय वाय। तो अभी जो है ये बाहर अपनी गाड़ी धो रहे हैं, आप देख रहे होंगे आते जाते, इनको चाय वाय हमारी हो चुकी है। तो अभी जो है बस मैंने नहाने जाना है, लेकिन झाड़ू लग रही थी तो इस वजह से मैं बैठ गई थी, क्योंकि ऐसे जब हम झाड़ू लगाते हैं तो हमें भी नहीं अच्छा लगता ना कोई बीच बीच में आए, तो ऐसे ही जब सामने वाला काम करता है तो उसको भी वैसे ही समझना चाहिए। तो अभी वो झाड़ू लगा रही है, अपना काम कर रही है, तो मैंने कहा चलो तब तक जो है मैं बैठती हूँ। और आज मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा आप लोगों को रिकॉर्ड करके भी दिखा दूँ कि मैं नहीं करती हूँ, जो काम मैं करती हूँ वो दिखाती हूँ, जो काम मैं नहीं करती हूँ वो मैं नहीं दिखाती हूँ। लेकिन हाँ, अब अगले 3 4 दिन तक मैं ही ये सब करने वाली हूँ, अपना काम अपने हाथों से, अपने घर का जो भी होगा, क्योंकि अभी वो छुट्टी पे जा रही है 3 4 दिन के लिए। अपने भी काम होते हैं बंदे के, सामने वाले के, तो वो अपने काम वगैरह निपटाएंगी। इतने 3 4 दिन मैं अपना घर संभालूंगी, मतलब ये सफाइयाँ वगैरह जो भी हैं वो सब, तो मैं खुश हूँ उस चीज़ के लिए भी। तो अभी जो है मैं बना रही हूँ सैंडविच, गुड्डू ने बोला उसको सैंडविच खानी है चीज़ वाले, तो ये चीज़ स्लाइस ही यूज़ करती हूँ मैं। हाँ, मैंने वो भी मंगाया था जो कद्दूकस करके मिल जाता है ना मार्केट में, क्या बोलते हैं उसको, मेरे दिमाग से निकल रहा है, वो भी मैं डालती हूँ, वो खिंचता है, वो अच्छा, वो भी अच्छा लगता है, लेकिन ये वाला थोड़ा ईजी रहता है और जल्दी ख़त्म भी हो जाता है। तो यहाँ पर जो है अभी मैंने सब्जी लगा दी है ब्रेड पर, सब्जी रखी हुई थी ये थोड़ी सी, और जब हमारे घर में सूखी सब्जी बचती है ना तो दिमाग में एक ही चीज़ आती है, जब नेक्स्ट डे बचती है तो कि भैया इसके सैंडविच बन जाए, या भरवा पराठा भी बन जाता है। तो मैं तो देखूंगी एक आधी बाइट ले ली ले ली ले ली, वरना तो मैं बच्चों को ही दूंगी। ये मेरा कोई ऐसा वो नहीं था कि मैं लूंगी, लेकिन हाँ बाद में जब इन दोनों को दिया तो एक जो कट करके पीस बचता है वो मैंने खाया था। तो ये दो है मैंने बना दिया है, चीज़ वगैरह लगा दिया है, चीज़ स्लाइस वगैरह, मेयोनीज भी निकाली थी, लेकिन मेयोनीज मैं जो है डालना भूल गई। मैंने सोचा था एक साइड मेयोनीज एक साइड चीज़ इस तरीके से करूँगी, पर चलो दूसरा वाला जो बनाऊँगी इसके बाद उसमें कर लूँगी। तो यहाँ पे जो है ये दो सैंडविच बन चुके हैं, सैंडविच मेकर में काफ़ी अच्छा काम कर देता है, काफ़ी इजी रहता है इसके साथ। और दूसरा क्या होता है ना, सबसे बड़ी चीज़, चीज़ मेल्ट हो जाती है, तवे पे बनाते हैं तो उतनी जल्दी मेल्ट नहीं होती है, हो जाती है लेकिन टाइम लगता है। तो ये बन चुके हैं, मैं कट कर देती हूँ और देकर आती हूँ, तन्मय को पूछूंगी वो भी खाएगा क्या, वैसे तो सैंडविच है, सैंडविच तो उसको बहुत पसंद है, मना तो वो नहीं करेगा, लेकिन फिर भी मैं उसको बोल रही थी तेरे लिए मूंग की दाल की खिचड़ी वगैरह बना देती हूँ, लेकिन वो बोल रहा है कि मुझे येल्लो चीज़ देखने का भी मन नहीं कर रहा है। तो फिर उसने भी एक सैंडविच खाया था, तो चलो देते हैं, बच्चे बाहर बैठे हुए हैं धूप में, धूप अच्छी आ रखी है, धूप क्या, धूप में तो बैठा भी नहीं जाता, धूप से छाँव में कर रखी है खाट उन्होंने, धूप बहुत तेज़ होती है आजकल वाली। ये सोने की एक्टिंग कर रहा है, ये सो नहीं रहा है। हाँ, थोड़ी तबीयत ढीली हो रही है इसकी, लेकिन आज विपिन ने बोल दिया है कि आज के बाद तन्मय रात में किसी भी फंक्शन में कहीं नहीं जाएगा जब तक ये थोड़ा और बड़ा नहीं हो जाता, क्योंकि हम 3 4 दिन लगातार, कल तो मैं नहीं गई थी, कल तो यही लोग गए थे जागरण में, तो 3 4 दिन रोज लगातार ये बाहर गया है, तो इसकी जो है तीनों चारों दिन रात में तबीयत खराब हुई है। तो एक दिन होती है तो लग जाता है कि शायद हाँ बच्चे को खाने पीने की वजह से हो गई है, अगर 3 4 दिन बाहर गए हैं और उसी रात तबीयत खराब हुई है, वॉमिटिंग वगैरह, तो फिर क्या होता है, फिर ये लगता है कि कहीं ना कहीं ठंड की वजह से हुआ है। तो फिर जो है ये अब से नहीं जाया करेगा, और ये नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊंगी, विपिन और गुड्डू चले जाया करेंगे, मेरा और इसका घर से बाहर निकलना बंद रात में, इसकी वजह से मैं नहीं जाऊंगी। अभी जो है ये प्रेस के कपड़े हैं, ये जाएंगे, ये सारे जाएंगे, यूनिक अपनी जींस निकाल दी, ये कपड़े प्रेस के लिए ये आ गए हैं, इनकी गर्दन में हो रहा है बहुत तेज दर्द, या तो ये सुबह सोते हुए तो उठ के तो था नहीं है, ये दिन में हुआ आराम आराम से ना, तो इन्होंने दवाई भी ले ली, इनकी गर्दन में दर्द हो रहा है, हिलचिल नहीं रही वो, इधर उधर नहीं हो रही, बहुत बुरा दर्द होता है, सोने से ठीक हो गए। ये सोने से, मैं जब सो रहा था मगर थोड़ा जल्दी सो गए यार, तुम फोन में लगे बगैर बात आओगे, मैं तो पता नहीं सो पाऊंगी कि नहीं सो पाऊंगी, क्योंकि मैं पिछले 4 घंटे से सो रही थी तन्मय के साथ, रिलैक्स होगा तभी सही होगा, तन्मय के साथ सो गई थी मैं, और मैं ना इसीलिए सोने से बचती हूँ, क्योंकि मैं ऐसे तय कर कर क्यों रख रहा है इसे प्रेस के लिए, क्यों ऐसे कुछ चुन्नी में डाल लो अनसंट, उस दिन तो मेरे को बातें सुना रहे थे अपने कपड़े, मैं कह रहा था सिर्फ सीधे होने चाहिए,
वो नहीं होने चाहिए कि वो तय करके रखने हैं, सिर्फ वो उल्टे नहीं होने चाहिए। ये देखिए वाला सूट उल्टा है शायद, नहीं सीधा है ये। हाँ तो सीधा होना चाहिए बस, सीधे हैं सारे। गाड़ी में डाल दो क्या सर? हाँ आज भी लेके जाना था ये, आप लेके नहीं गए। मैंने ना अपने इयररिंग्स उतार के इसमें रख दिए थे। आ रही हूँ मैं इयररिंग पहन के। क्या देख रहे थे? कुछ क्या कुछ, मैंने कहा इयररिंग्स पहन लेती हूँ फिर ना इनकी आदत छूट जाएगी। तो इस चक्कर में तो यहाँ पे ये बैठ गए हैं खाना खाने के लिए। तो इनको जो है मैं गरम गरम एक एक फुल्का ला कर दूंगी, लेकिन बहुत स्लो खा रहे हैं, प्लेट में रोटी रखी हुई है। मुझे अच्छा लगता है कि मैं गरम गरम रोटी लाऊं तब तक सामने वाले की प्लेट की रोटी ख़त्म हो गई हो। और जब रोटी गरम गरम बना रहे हो ना, चाहे कितने भी लोग बैठ के खा रहे हो, अच्छा लग रहा है उनको वो खाए जा रहे हैं, तो बड़ा सुकून मिलता है। हाँ यार शायद सामने वाले को पसंद आ रहा है। तो आजकल तो हमारे घर में सब ढीले हुए पड़े हैं, रोटी भी मुश्किल से 6-7 बनी होंगी। गुड्डू ने भी एक आधी खाई है, तन मैंने नहीं खाई है, एक आधी ग्राही मुश्किल से खाई उसने। मैंने अभी भी जो है इनको बोला कि मूंग की दाल की खिचड़ी बना लेते हैं, सब वही खा लेंगे। लेकिन तन्मय के लिए बन रही थी मेन, तन्मय को नहीं खानी थी, उसने साफ मना कर दिया था। तो फिर जो है रोटी वगैरह हुई, फिर मैंने कहा चलो मैं अपनी किचन समेट लेती हूँ। तो ये जो चकले का गोल गोल बन जाता है ना, इसको मैं पहले पानी से कर देती हूँ ताकि आटा नीचे ना गिरे, जानबूझ कर ना गिरे। वैसे अगर बनाते हुए गिर जाता है हाथ से तो फिर वो अलग बात है। तो इसको मैंने पोंछ दिया है। फिर उसके बाद अब जो है मैं यहाँ से, ये कपड़ा जो है किचन की स्लैब का ही है, ये नीचे नहीं लगता है हमारे फर्श पे, ये सिर्फ स्लैब स्लैब पे रहता है। तो ये साफ़ ही है, क्योंकि कई बार कमेंट आ जाते हैं कि आप इस कपड़े से गैस को साफ़ कर रहे हो। तो ये स्लैब का ही है, खाली इस स्लैब का, नीचे नहीं लगता है। जैसे नीचे पैरों पर लगता है तो बात होती है, और यहाँ पर कौन पैर लेके चल रहा है। तो यहाँ पे जो है मैंने गैस अपनी अच्छे से क्लीन कर दी है, एक दो बार पानी से दोबारा धोया कपड़े को, फिर दोबारा साफ़ किया। अभी ये जो है तवा गर्म है, तो इसलिए इसको यहीं रखा हुआ है। गर्म तवे को पानी में एकदम से नहीं धोना चाहिए, तो इसको ठंडा होने दूंगी, फिर इसको वॉश करके रखूंगी। और यहाँ पे मेरा पूरा स्लैब मैंने जो है समेट दिया है। कुछ बर्तन हुए हैं खाने पीने के, बहुत ही थोड़े से हुए हैं, जो शाम वाले थे जैसे दूध वगैरह के, या फिर कुछ एक आधा गिलास कटोरी वगैरह बच्चे जैसे कर देते हैं, तो वो मैंने कर दिए थे रोटी बनाने से पहले। और अभी बहुत थोड़े से बर्तन हैं जैसे कि आप देख रहे हैं, तो इनको मैं कर दूंगी। और अभी एक बारी और बर्तन करूंगी जो होंगे सोने से पहले, जैसे दूध वगैरह पिया तो, या फिर गिलास कटोरी हो गई, या फिर अभी मैंने कुछ नहीं खाया, अगर मैंने कुछ खाया वो बर्तन हुए तो वो सोने से पहले हो जाएंगे। और जैसे मेरे हाथों में सारा काम होता है, तो मैं अपने रूटीन से चलती हूँ। जब सामने वाले की आप हेल्प लेके काम करते हो, तो फिर जो है 2-4 बर्तन मेरे रह जाते हैं सिंक में। कोशिश करती हूँ कि सिंक भरा ना हो, अच्छा नहीं लगता है। मतलब 2-1 बर्तन है या दूध के बर्तन रह गए तो वो सुबह हो जाएंगे। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब वही वही है ना, अपने फ़ायदे के लिए हमने किसी को लगाया हुआ है, तो फिर मन में वो भी आते हैं ना लालच। तो यहाँ पे जो है मैंने पूरा अपना किचन समेट लिया है। अब मैं देखती हूँ मैं क्या खाऊंगी। तो भी टाइम ज्यादा नहीं हुआ है, 8:20 हुए हैं, खाना वगैरह सब हो चुका है। और मैं यहाँ पे अंगूर खा रही हूँ, मेरा मन कर रहा था अंगूर खाने का। आज मेरा मन मैगी खाने का भी कर रहा था, लेकिन मैंने कहा मैगी नहीं खाते, अंगूर खा लेते हैं। रोटी नहीं खाई मैंने, मेरा मन रोटी को नहीं था, तो चलो अंगूर खाते हो, आप लोग भी खा लो, फिर जो आगे के रात के काम है वो करूंगी। इससे पता क्या होता है, अगले दिन जो आपको सर दर्द होता है ना कि यार ये भी करना है सुबह उठ के, ये भी करना है, या सुबह उठ के आप लगोगे तो सुबह का आपका पूरा 1.25 घंटा बच जाता है किचन क्लीन करके सोना, जो कि मेरी हमेशा से आदत रही है। कई बार कोई आ गया मेहमान, या कोई हम कहीं गए हैं तो बात अलग है, या तबीयत खराब है, लेकिन 99% यही रहता है कि अपना किचन पूरा क्लीन हो। और जो जैसे कि ये कमरा है, इसमें नहीं सोएंगे उधर सोएंगे, वैसे हमारा कुछ नहीं पता इधर सोएंगे या उधर सोएंगे, तो जिधर भी सोएंगे जो एक बेड खाली रहेगा उसको मैं बिल्कुल क्लीन कर चादर वगैरह बिछाकर सोऊंगी। जहां सोएंगे उधर जो है फिर वो कमरा तो रहेगा ही, वो तो सुबह ही होगा, बाकी पूरा घर समेट के सोऊंगी, तो बढ़िया रहता है इस तरीके से।
हैं ये, और ये मैं आपको क्यों दिखा रही हूँ, ये मेरे नहीं है, ये मेरे पास आए थे प्रमोशन के लिए, ब्रांड प्रमोशंस जो होते हैं वो। ये मैं आपके साथ क्यों शेयर कर रही हूँ, इसके दो कारण है। पहला तो ये कि मैं किसी भी ऐप को या किसी भी उसको क्रीम पाउडर को ऐसे ही नहीं करती कि आ गया चलो भाई करना है और बस दिखाना है आप लोगों को, नहीं, वो अच्छा होता है मैं तभी करती हूँ। दूसरा चीज़ मैं ये भी कहूँगी, हाँ काम है तो करना पड़ता है, या मैं किसी भी ये नहीं कहूँगी वो ज़्यादा करते हैं मैं कम करती हूँ, नहीं, काम है करना पड़ता है, कोई ज़्यादा करता है कोई कम करता है। उन्होंने जब प्रोडक्ट भेजने शुरू किए तो क्या हुआ, जब मेरे पास उनके कुछ प्रोडक्ट्स आए उनकी क्वालिटी मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, वो भी मैंने उनको बोल दिया। जब उन्होंने बोला कि कब कर रहे हो आप वीडियो, तो मैंने बोला कि मैं नहीं कर रही हूँ, अक्टूबर से ही आए हुए हैं। अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो दिवाली के टाइम पे भी आपको मेरी पेटी पे उस कमरे में जिसमें ब्लैक बोर्ड वगैरह है वहाँ ये रखे हुए दिखेंगे, क्योंकि ये रखते मतलब आने शुरू हो गए थे, रखते रहे, फिर आए, फिर मुझे वो बेडशीट जब पसंद नहीं आई, उनका कपड़ा अच्छा नहीं लगा, तो मैंने बिल्कुल मना कर दिया कि अब तो मैं करूँगी ही नहीं, क्योंकि कोई चीज़ मुझे अच्छी रिसीव नहीं हो रही, तो फिर सामने वाले को मैं उसका कैसे बोल दूँ हंस के मुस्कुरा के कि ये चीज़ आप जाकर खरीदो बहुत अच्छी है, झूठी तारीफें नहीं होती हैं। तो इस वजह से जो है, इसीलिए ऐसा नहीं है कि कोई भी आया और कर दिया, सबसे पहली बात तो उसकी चीज़ें देखी जाती है कि कैसी है वो चीज, वो जो ब्रांड है वो कैसा है, वो ऐप कैसी है, वहाँ से चीज़ें कैसी आती हैं, तो ये सब भी मैटर करता है। आप लोग जैसे बोल देते हो रश्मि तुम बता देते हो, तुम्हें तो सिर्फ वो लोग भेजते हैं फ्री में सामान इसलिए आप कर देते हो, ऐसा नहीं है। अमेजोन से का भी मैंने किया था, जबकि अमेजोन काफ़ी अच्छा है, आप लोग भी शॉपिंग करते होंगे, लेकिन जब उन्होंने मेरे पास कुछ प्रोडक्ट्स भेजे तो उनके कुछ प्रोडक्ट्स मुझे ऐसे लगे जैसे कि ये लैक्मे के मंगाए थे मैंने, तो वो मुझे लैक्मे के नहीं लग रहे थे, वो मुझे ऐसे लग रहा था मतलब जैसे फ्रॉड लैक्मे कंपनी, मतलब जैसे होता नहीं डुप्लीकेट प्रोडक्ट लग रहे थे, ओरिजिनल लैक्मे नहीं लग रहे थे वो, तो इस वजह से फिर मैंने उनके भी बंद कर दिए थे करने, मैंने कहा नहीं यार। और फिर मुझे किसी से मेरी बात हुई इस बारे में, तो उन्होंने मुझे बताया भी कि नहीं मिल जाते हैं डुप्लीकेट प्रोडक्ट, मार्केट में भी मिल जाते हैं। मैं इसे अगर बताती भी ना तो भी मैं करती नहीं, क्योंकि मैंने सोच लिया था कि मुझे नहीं करना है, और अब ये शायद रिटर्न जाए, मैं उनको बोल रही हूँ कब से कि भैया अपना सामान रिटर्न मंगाओ, मेरे घर पे जगह ढूंढ रखी है इस सामान ने, तो देखते हैं क्या होता है, मंडे है कल, तो शायद कल वो लोग जवाब दें मंगाएं, मैं अपनी तरफ से तैयारी रखती हूँ, नितिन ले जा लेंगे। देखो पूरे बैग तैयार हो गए, ये पूरा भर गया कोरियर से, ये पूरा भर गया कोरियर से, और एक पोलोथीन ये पूरी भर गई कोरियर से। अरे बाबा ये देखो इन्हें रखती हूँ ताकि उनका मैसेज वगैरह आए, कल तो यहाँ इलेक्शन है, कल तो शायद यहाँ कोरियर सर्विस नहीं होगी, बिछा लेगी इधर को फेंकी तो मैसेज कर दूँ। आज तो देख करके कुछ कहा नहीं मैंने करने, लेकिन कल नहीं मैं छोड़ूंगी, होमवर्क किया इसने तो नहीं किया, कर लिया होमवर्क, बहन ने करवा देता, लेकिन कल मैं सुनूंगी, आज तो मैं तेरे को छोड़ दिया तबियत की वजह से, कल नहीं छोड़ूंगी, देख भाई पापा यहाँ पापा आओ हट, तल मेरे रजाई पे पैर रखेगा क्या, सुनता नहीं है बिल्कुल भी बात, रजाई पे पैर नहीं रखना बिल्कुल भी। अरे मम्मी अभी रजाई ऐसी कर दो, सारा हो चुका है जो जो जैसे जैसे हमें करना होता है, रात में छोड़ना होता है, ये सामान भी है ये इधर रख देती हूँ, अंधेरा 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 अंधेरा, पहले बड़ा डर लगता था अंधेरे में जाने में, अब नहीं लगता। किचन वगैरह भी मेरी पूरी समेटी हुई है, कोई बर्तन नहीं है, तो अभी जो है इस वीडियो को भी यहीं एंड कर देते हैं, कल मिलेंगे आप सबसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।